Hello. Hi, baby. Oh, it was awesome. And you were perfect. I mean, it was very wild night. You know, I never experienced this kind of experience which you gave me. I love you so much. Haan, aaj koi problem nahi, aaj chale aao na. मैं तो तुम्हारे लिए रोज फ्री. मेरे घर में कोई नहीं है अभी, सिर्फ मेरी कजिन है, वो भी काम लेके बिजी है. आ जाओ ना. ठीक है बेबी, आई विल वेट फॉर यू. बाय. हाँ हेलो. हाँ नन्ना सुनो ना, एक्चुअली मेरा तबीयत आज ठीक नहीं लग रहा है, तो आज तुम मेरे घर पे आ जाओगी? अच्छा अच्छा, थैंक यू. बस एक्चुअली मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाऊँगी, तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है. हाँ तुम तो जानती हो ना एड्रेस. ओके ओके ओके, देन आओ. बाय. खत्म भी हो गई है तो तू इतने सजेस्ट क्या कहाँ जा रही है? कोई आ रही है या तू जा रही है? नहीं, नहीं आ रही है. मैं किसी के पास नहीं जाती, सब मेरे पास आते. अच्छा पता तो क्या कॉफी बना गया? खुद जाके अपना कॉफी बना ले, मैं खुद नहीं बना सकती. तू कैसे खुद के लिए बनाए सिर्फ? मुझे नहीं पता था ना, मुझे तो लगा तू कहीं पे निकल गई है किसी के साथ. एक्चुअली नहीं, इतनी सुबह. मेरा काम रात को होता है. ओके अच्छा सुन, बता तेरा हाल. तेरा हो गया, तेरा हो गया. अब मेरी बात सुन. आज मेरी एक कली गाड़ी है, तो प्लीज़ उसके साथ ढंग से पेश आना और घर में किसी को मत लाना आज. प्लीज़ भगवान के लिए किसी को मत लाना. नहीं, यहाँ पे कंडीशन है. कली का जेंडर क्या है? ऑब्वियसली तुझे बहुत पसंद आएगी, गर्ल है. खूबसूरत है. जो भी हो तुझे क्या मतलब? अरे बहन की कली, उसे मैंने थोड़ा स्पेशल फील करवाना चाहिए ना. कुछ स्पेशल फील कराने की जरूरत नहीं है, वो काम के लिए आ रही है. काम हो जाएगी वो चली जाएगी. तो मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मैं काम नहीं करूँगी? तो हर जगह ना मुँह मत मार अपनी, ठीक है ना? वो मेरी कलीग है, वो काम करने आ रही है, उसे काम करने देना. बार बार आके ना हम दोनों को डिस्टर्ब मत करना. तू मैं लिख के दे सकती हूँ, मैं आज तक किसी लड़की को डिस्टर्ब नहीं किया. अच्छा हाँ, लड़की मेरे ऊपर फिदा तो मैं क्या करूँ? अच्छा, वो तेरे ऊपर फिदा नहीं होगी. मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है? उसे बंगा मत लेना. अच्छा ठीक है ना, तो देखते हैं. नहीं नहीं ठीक है, तेरा कोई मामला है क्या? मेरा कोई मामला नहीं है, और तू भी उसके साथ कोई ऐसा मैं सोचना कुछ मामला होगा तेरा. वो बहुत शरीफ लड़की है. तो क्या बोल रही, मैं बदतमीज हूँ? मुझे तो मैं भी शरीफ हूँ. मुझे तो वही है, तेरे जैसा बोरिंग नहीं हुआ. ठीक है ना, अब चुप हो जा. जो मैंने कहा है वो करना, वो आने से खुद ढंग से पेश आना. तो अपने बार बोलती रहे. मैं जो बोल रही हूँ वो सुनना, वो आके डिस्टर्ब मत करना. प्लीज घर में किसी को मत. घर में आज कोई आने वाला तो नहीं है? हाँ एक आने वाली थी. तो क्या नाम? प्लीज उसे ना कर दो. तो बाय द वे कौन आ रही है? एक लड़की. क्या नाम है? दो दिन पहले मिली थी वही. अच्छा दो दिन? मना कर दूंगी. क्या है? मुझे इस बार में कुछ नहीं बोलना, ठीक है? आज मत लाना उसे प्लीज. ओके माँ, मैं आज नहीं लाऊंगी, मैं कल ले आऊंगी. क्या प्रॉब्लम है? एक फोन कॉल बस हो जाएगा. वैसे भी एक लड़की तो आ ही रही है ना, तो दूसरी की क्या जरूरत? और मुझे कुछ नहीं बोलना है, तो मैं जा सकती हूँ. हाँ मैं वैसे भी थोड़ा निकल रही हूँ, इसलिए रेडी थी. प्लीज प्लीज जाओ. वैसे ना आएगी शाम को, आएगी. फिर मैं घूम के आती हूँ. बाय बाय. बाप रे ये लड़की मतलब कभी नहीं सुधरेगी, परेशान करके रखी है मुझे.
कम इन। हाय। हेलो। आवाज़ आ गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आने में? हाँ एकदम नहीं है, मैं एड्रेस बहुत बिजी है। चलो हाँ मैं ठीक से ही देती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, इतनी देखने की क्या बात है, मैं नहीं रहती हूँ सज धज के घर में तुम्हारी तरह। ऐसे ही देख रही थी। अच्छा ऐसे ही देख रही थी, तब देख सकती हो। अच्छा इतना इतनी पसंद करती हो मुझे, मतलब तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ अभी ठीक है, मेडिसिन ली है मैंने। मुझे लगता है तुम्हें ना एक अच्छा डॉक्टर दिखाना चाहिए कि भी दो दिन ठीक है। ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ है ना, हल्का सा फीवर है। कोविड टेस्ट कराओ। मैं उतना भी बाहर नहीं घूमती हूँ अभी, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं किसी से मिलती भी नहीं हूँ। तुम मुझसे मिलते हो तो मुझे डर है ना। तुम्हें डाउट करना चाहिए इसका मतलब है नहीं, तुम बोल सकती हो। सीरियस नोट, तुम प्लीज टेस्ट कराओ, आई मीन टेस्ट नहीं, अपना ख्याल रखो। कुछ इशू हुआ तो तुम मेरे घर पे भी रह सकते हो, वहाँ पे मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। आई विल क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं रहता तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। ठीक है। अरे री आहिस्ता, क्या है? खड़ी थी तो यहाँ पे वो, तो मुझे बाहर से कैसे दिखाई देगा ये यहाँ पे खड़ी है? नॉक करना चाहिए ना एटलीस्ट घर में घुसने से पहले। तेरे रूम में आने के लिए नॉक कब से जरूरत पड़ी? बिकॉज़ अभी आई है कोई। तो मुझे वो पहले से बोल देना चाहिए, मैं बिजी हूँ अपने प्राइवेट प्लेस में हूँ, तो तू नॉक कर। ठीक है छोड़ मेरी माँ। तुमसे क्या मेहमान नवाजी नहीं आती? कोई आई है तुम्हारे घर पे और तुमने दरवाजे पे खड़ी करके रखी हो? अंदर जाओ, इतने बड़े घर में बिठाओ, एसी का हवा खिलाओ। मुझे इंट्रोड्यूस करवाने दे या खुद कर लेगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरी पहले से फ्रेंड तो। मेरी कलीग फ्रेंड जो भी है मेरा है पहले से, तो तू क्यों मुझे करवाने दे? जरूर, एज यू विश। ओके, मीट अनन्या, शी इज माय कलीग एंड शी इज री माय कजिन। ओके माय माय नेम इज ऋषिका। हाय, कहाँ से आती हो? मतलब आजकल हैंड कौन शेक करते? अरे गले मिलते हैं। अरे री बिहेव योर सेल्फ यार, मैंने फर्स्ट टाइम घर पे आई है तो गले लगा रही है। तो मैंने तुझे पहले ही कहा था वो वैसे नहीं। अच्छा तो ठीक है, इट्स ओके, बिहेव योर सेल्फ। अरे चलो हम काम करते हैं। अरे मैं ही मेहमान नवाज। ठीक है तू अब चुप रह सकती है, तू अपने रूम पे जा प्लीज। डू यू लाइक इट? इसके बाद छोड़ो। हाँ ये ऐसी है, नेवर माइंड, प्लीज अपने रूम पे जा। क्यों यार, तुझे काम करने क्यों रही है? क्योंकि हम दोनों को बहुत काम है अभी। प्लीज जा रही, हम काम है यार करने तो दे। वो तो मुझे दिखाई दिया कैसा काम कर रहे थे यार, बैठ खड़े खड़े गप्पे मार रहे थे। तुझे इतना क्यों फट रही है मैं आई हूँ? क्योंकि वो तू जो लड़की से मिलती है ना वो उस जैसी नहीं है, वो बहुत अलग है। पता नहीं, मैं हर किसी लड़की से मिलती हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ हवस की नजर से या फिर कुछ और नजर से देखी। कुछ भी हो तू अभी प्लीज। अरे यार दोस्ती तो कर सकते है ना। अच्छा ठीक है बाद में कर लेना वो आती। अरे ये तो गलत बात है यार।